बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस ए इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ए क्यूब नीचे डिवाइडेड में इन तमाम को ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 3a इज इक्वल टू 12। इसके बाद क्या करेंगे, ये ए क्यूब नहीं है, ये वाला इनको लिख देंगे ए पावर 2+1, नीचे डिवाइडेड में 3a लिख देंगे इज इक्वल टू 12। इसके बाद क्या करेंगे, इनको इस तरह लिख देंगे ए पावर 2 × ए पावर 1, नीचे डिवाइडेड में लिख देंगे 3a इज इक्वल टू 12। इसके बाद क्या करेंगे, ए के ऊपर कोई पावर नहीं तो यहाँ 1 लिख देंगे, फिर ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा ए स्क्वायर नीचे डिवाइडेड में 3 इज इक्वल टू 12। इसके बाद क्या करेंगे, 12 के नीचे 1 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को, तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों से 36। फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसके बाद ये इसके साथ कैंसिल हो, यहाँ जाएगा ए इज इक्वल टू ±, 36 की जगह लिख देंगे 6 square, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यह आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू ±6। तो ये हमारे पास ए की दो विधि आ गई, ए इज इक्वल टू 6, दूसरी -6, एक +6 दूसरा -6।